ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 6। और आप जैसे जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस के सारे पार्ट देखते होगे तो आपको समझेगा कि फैमिली ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। और सभी की ज़िंदगी में, भले ही वो आपकी हो या मेरी हो, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं। और इस पूरी मूवी से इसका भी रियल मीनिंग फैमिली ही है। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम ब्रायन और टॉम को बड़ी तेज़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। और ये लोग स्पेन के कैनरी आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ एलिना इनका इंतज़ार कर रही होती है। डॉम ब्रायन से कहता है कि तुम अच्छे डैडी बनोगे। और उस दरवाजे के पीछे जाने के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और हम देखते हैं कि मिया को बेटा हुआ है और ब्रायन बाप बन चुका है। इसके बाद हमें फास्ट एंड फ्यूरियस 1 से लेकर फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के टॉम और ब्रायन की ज़िंदगी दिखाते हैं, जहाँ इन्होंने कैसे कैसे कांड किए और इनकी कैसी ज़िंदगी गुजरी। और पहले के 5ों पार्ट के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहीं मॉस्को सिटी में हम हॉब्स को देखते हैं जो कि एक क्राइम सीन पे आता है। और आते ही वो एक पुलिस वाली को असिस्टेंट हायर करता है और उससे बताता है कि सैटेलाइट की चोरी और रशियन मिलिट्री काफिले पर हमला। अचानक कहीं से गाड़ी आ गई, 6 अस्पताल पहुँच गई, दर्जनों गाड़ियाँ बर्बाद हो गई और ये सब कुछ 90 सेकेंड में हुआ। और ये सब कुछ रेकेडिंग कर सकती है, जिस पर राइली कहती है कि हमें उनमें से एक मिल गया। इसलिए ये लोग इंटरपोल के हेडक्वार्टर जाते हैं। हॉब्स उस क्रिमिनल से पूछता है कि मुझे तुम्हारा बॉस शॉ चाहिए, पर क्रिमिनल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए हॉब्स उसे बहुत मारता है और राइली से कहता है कि इनका बॉस ओवन शॉ लंदन में है और उस जैसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए भेड़ियों की ज़रूरत है। इसलिए हॉब्स डॉम के पास जाता है और उसे बताता है कि पिछले हफ्ते कुछ पेशेवर ड्राइवर्स ने रशियन मिलिट्री ड्राइवर्स के काफिलों को बर्बाद कर दिया और उन्हें पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर टॉम ना कहता है, इसलिए हॉब्स उसे एक फाइल देता है और कहता है कि तुम मुझसे मेहनत करोगे मेरी मदद करने के लिए और मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। जब टॉम उस फाइल को खोलता है तो उसमें एक सप्ताह पहले की लेटी की फ़ोटो होती है, पर उसे विश्वास नहीं होता कि लेटी ज़िंदा है। तब एलिना आकर उसे हौसला देती है और कहती है कि अगर थोड़ी सी भी उम्मीद लगती है तो तुम जाओ उसकी मदद करो और लेटी को ढूंढो। इसलिए डॉम हॉब्स की मदद करने के लिए मान जाता है, जिस पर हॉब्स उसे पूरी टीम बुलाने कहता है। फिर हम रोमन, तेज, हान और गिजिल को देखते हैं जो कि अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी डॉम को कॉल आता है और वो इन सबको बुलाता है। और वहीं डॉम ब्रायन से मिलता है जहाँ ब्रायन और मियान ने अपने बेटे का नाम जैक रखा है। और डॉम ब्रायन को लेटी के बारे में बताता है, जिस पर ब्रायन भी मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लंदन में डॉमनी की पूरी टीम आती है सिवाय रिको और लियो के, जहाँ हॉब सबको बताता है कि हमें ओवन शो को पकड़ने का है जो कि एक खतरनाक मुजरिम है। और ओवन कुछ चीज़ें चोरी कर रहा है जिससे कि वो एक डिवाइस बनाएगा जो कि 24 घंटे के लिए पूरे देश की मिलिट्री के नेटवर्क और लाइन को बंद कर सकता है। और ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर जंग में भी किसी सोल्जर को 1 सेकंड के लिए भी अंधा कर दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। पर यहाँ तो पूरे देश की मिलिट्री को ही 24 घंटे के लिए अंधा करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मुझे तुम सबकी ज़रूरत है ताकि हम सब मिलकर ओवन शो को पकड़ लें। पर ब्रायन कहता है कि तुम्हें हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करना होगा और साथ ही लेटी को भी लौटाना होगा। पहले तो हॉब्स मानता नहीं, लेकिन डॉम की जोर देने पर इनके बीच ये डील हो जाती है। लेकिन इस बार डॉमनी को उसके परिवार के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं की तरह सामने वाले भी बड़े चालाक और ख़तरनाक हैं। फिर हॉब्स, डॉम और डॉम की टीम एक जगह आते हैं जहाँ पर इंटरपोल ने ओवन चौक के दिशाओं को पकड़ा था। वो लोग उसे एक माइक्रोफोन लगाकर ओवन चौक के पास भेजते हैं ताकि वो लोग उसे पकड़ सकें। और ये आदमी जब अपने बॉस के पास पहुँचता है जो कि ओवन चौक है, तब ओवन उसे एक बैग देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारे हिस्से का पैसे हैं और साथ ही एडवांस। वहीं तेज सबको बताता है कि इंटरपोल का सिक्योरिटी अलार्म बज रहा है जहां पर ओवन के आदमियों ने हमला किया है। इसलिए हॉब्स और डॉम को छोड़कर बाकी पूरी टीम को पकड़ने के लिए निकल जाती है। वहीं पूरी पुलिस फोर्स ओवन को पकड़ने के लिए अंदर जाती है, पर ओवन शॉ काफ़ी चालाक होता है और उसे इस बारे में पहले से पता होता है। इसलिए वो अपनी कस्टमाइज फॉर्मूला नंबरों कार में बैठकर वहां से निकलता है जहां पर उसके आदमी के हाथ में बॉम्ब फूटता है। और जाते जाते ओवन बिल्डिंग के सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एक साथ ही सारे पुलिस वालों की मौत होती है। और ओवन को जाता हुआ देख उसका पीछा हॉब्स और डॉम भी करते हैं अपनी अपनी कार में। वहीं ब्रायन और सभी लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर ओवन की टीम होती है। और इनको देखते ही ओवन की टीम इन पर फायरिंग स्टार्ट करती है, जिसमें गिजेल और हांगी गाड़ी खराब हो जाती है। वहीं ओवन के आदमी वहां से भाग जाते हैं जहां उनके पीछे पीछे ब्रायन, रोमन और तेज होते हैं। तभी ओवन के साथियों में से एक आदमी ब्रायन, रोमन और तेज की गाड़ियों पर चिप बॉम्ब से हमला करता है, जिसे एक्टिवेट करने से कार का वो पहिया पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर रोमन और तेज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि ब्रायन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए,
ब्रायन अपनी कार को एक दीवार में ठोककर उस शिप को निकाल देता है और उन शिप का पीछा कंटिन्यू करता है। फिर एक पॉइंट पर ओवन के पूरे साथी मिल जाते हैं जहाँ पर इनके पीछे अब हॉब्स, डॉम, ब्रायन और पुलिस वाले होते हैं। इसलिए ओवन शॉप में साथियों से दोबारा से अलग हो जाता है, जहाँ पर ओवन के पीछे हॉब्स और डॉम होते हैं तो वहीं उनके साथियों के पीछे ब्रायन होता है। पर इससे पहले कि ब्रायन उन तक पहुँचे, ओवन की एक साथी अपने कार से ब्रायन की कार को ठोक देती है, जिससे कि ब्रायन की कार पलट जाती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं हॉब्स ओवन की गाड़ी पर कूद जाता है ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन ओवन काफ़ी चालाक होता है, वो एक बैरिकेड की मदद से हॉब्स को अपनी गाड़ी से गिरा देता है। लेकिन डॉम अभी भी उसका पीछा करता है, जहाँ पर एक अननोन ड्राइवर आती है और वो ओवन शॉ को भागने में मदद करती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लेटी होती है। और डॉम लेटी को देखकर उसके पास आने की कोशिश करता है, जहाँ पर लेटी उसे अपनी बंदूक से गोली मारती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सभी लोग बेस पे आते हैं, जहाँ पर रोमन साफ साफ ये काम करने से मना करता है क्योंकि उसकी जान जाते जाते बची। और मैं बता दूँ कि इस फिल्म में रोमन ही है जो कॉमेडी करता है थोड़ा बहुत, तो मज़ा आता है लेकिन जब भी करता है तो दूसरी तरफ ओवन और उसके साथ ही डोमिनिक और उसकी पूरी टीम की डिटेल निकालते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लेटी डॉम को पहले से आती है, जो कि एक फ़ोटो में दिखता है, लेकिन लेटी मानने से इनकार कर देती है और कहते हैं कि मैंने इसी आदमी पर गोली चलाई। और इनकी टीम भी 7 लोगों की होती है, वहीं डोमिनिक की टीम भी 7 लोगों की होती है हॉब्स को पकड़कर। तभी हॉब्स वहाँ पर आता है और इन्हें बताता है कि जुर्म करने के लिए लंदन सबसे बुरी जगह है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी है। और इन्हें ये भी पता चला है कि शॉ ने इंटरपोल के यहाँ से एक डेटा चुराया है, जिसके अंदर उस डिवाइस को बनाने वाले हर एक लास्ट पार्ट का एड्रेस है, जो कि अगले 4 दिन तक ही सिर्फ काम आएंगे। और शॉ के पास वक्त कम है और हमारे पास भी सिर्फ 4 ही दिन है शॉ को पकड़ने के लिए। इसलिए डॉम, हान, गिजेल और रोमन को उस मैकेनिक को ढूंढने को कहता है जिसने शॉ की गाड़ी कस्टमाइज़ की, क्योंकि एक बार मैकेनिक मिला तो उन्हें शॉ भी मिल जाएगा। और इनके साथ रैली भी जाती है। वहीं डॉम तेज को गिरफ्तारी गाड़ियों का इंतजाम करने को कहता है, इसलिए हॉब्स और तेज एक कार ऑक्शन में आते हैं, जहाँ पर रफ्तारी और खूबसूरत गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ उनका मैनेजर आता है और वह हॉब्स और तेज की काफ़ी बेइज्जती करता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं हान, रोमन और बाकी लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैकेनिक होता है, और रोमन उससे बात करने जाने वाला होता है कि गिजेल कहती है वो मर्द है और ये काम मैं करूँगी। वहीं तेज ने उनकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सारी कार्स को खरीद लिया होता है, और जिस मैनेजर ने उनकी ये बेइज्जती की थी, तेज और हॉब्स मिलकर उस मैनेजर की अंडरवेयर छोड़कर सब कुछ उतार लेते हैं। वहीं गिजेल और आइला उस मैकेनिक को मारते हैं और धमका के पूछते हैं कि शॉ का पता बताओ, जिस पर वो मैकेनिक चुपके से शॉ को फ़ोन करता है और गिजेल और आइला को सारी बात बताने लगता है। और कॉल पर सारी बात सुनने के बाद शॉ अपने साथियों को भेजता है, जहाँ पर उनके साथ लेटी भी होती है, और ये लोग आते ही गिजेल और आइला पे फायरिंग करते हैं। और ये देखकर रोमन और हान भी गिजेल और आइला को बचाने के लिए आते हैं, जहाँ फायरिंग में उस मैकेनिक को गोली लग जाती है और वो मरने वाला होता है, जिस पर गिजेल उससे पूछती है कि ओवन शॉ कहाँ मिलेगा, जिस पर वो मैकेनिक अपने मोबाइल को दिखाता है और कहता है ब्रागा, और ये कहते ही वो मर जाता है। तब गिजेल भी एक ओवन के साथी को बंदूक की गोली से मार देती है। वहीं बचे हुए साथियों की गोली ख़त्म हो जाती है, जहाँ लेटी के पीछे रायला होती है तो वहीं एक चाइनीज के पीछे रोमन और हान होते हैं। और ओवन के साथी किसी तरह भागते भागते पब्लिक प्लेस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लेटी और रायला में कैट फाइट होती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन लेटी किसी तरह रायला से बचते हुए मेट्रो ट्रेन में चली जाती है। वहीं एक चाइनीज पुरुष वालों को मारने के बाद रोमन और हान से लड़ता है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे, और ये ब्रूस ली का चेला उन दोनों की खूब धुलाई करता है और मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर लेटी और ये ब्रूस ली का चेला अपने बेस पे आते हैं और शॉ को बताते हैं कि इनका एक साथी मारा गया। शॉ कहता है कि गलती करने वालों को सजा मिलती है। वहीं लेटी अपनी कार ठीक करी होती है, जिसके पास शॉ आता है और कहता है कि जब तुम मुझे हॉस्पिटल में मिली, तुम्हारी यादाश्त पूरी गुम हो चुकी थी और तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम कोई गलती करो। लेटी कहती है मैं ज़रा ताज़ी हवा लेकर आती हूँ। वहीं गिजेल, रायली, रोमन और हान, जो कि एक हारपून लेकर आया है और तेज को देता है, और ये हारपून याद रखना दोस्तों, आगे बहुत काम है इसका। गिजेल फ़ोन दिखाती है और सबको कहती है कि शॉ ब्रागा के साथ काम कर रहा है। अगर आपको याद रहेगा तो ब्रागा फास्ट एंड फ्यूरियस 4 के मूवी में विलन था, जो मेक्सिको में सबसे बड़ा गैंग चलाता था, जिसे ब्रायन ने जेल की हवा खिलाई। इसलिए ब्रायन डिसाइड करता है कि वो ब्रागा से मिलेगा, ताकि उसे शॉ के अगले कदम के बारे में मालूम पड़ सके। और फिर वो अपने एजेंट दोस्त, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 2 में था, उसकी मदद से फेक नाम का अपराधी बनकर जेल में घुस जाता है। वहीं हान डॉम को बताता है कि आज रात रेस होने वाली है। तो दूसरी तरफ जेल में ब्रायन के पास ब्रागा आता है अपने लेफ्ट और राइट हैंड के साथ। ब्रायन बोलता है मैंने लेटी को अपने हाथों से दफनाया था, पर ब्रागा कहता है कि तुमने किसे दफनाया,
ना ही वो तुम्हें मालूम है और ना ही मुझे। और रही बात रिटी की, तो वो उस दिन बच गई थी जहाँ शॉ को खुद 2 दिन बाद मालूम पड़ा था कि वो हॉस्पिटल में है, इसलिए शॉ उसे मारने भी गया था, लेकिन उसने मारा नहीं क्योंकि लेटी की याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और ये कहने के बाद ही ब्रायन के आदमी ब्रायन पर हमला करते हैं, जहाँ पर ब्रायन उसके दोनों लेफ्ट और राइट हैंड को मारता है। और उसके बाद वो ब्रायन को मारता है और पूछता है कि शॉ का अगला प्लान क्या है, मुझे बताओ। और ब्रायन कहते हैं कि उसे तुम्हारी अगली चाल के बारे में कैसे पता चलता है, जरा सोच के देखो, और हाँ तुम शॉ से तभी मिल सकते हो जब शॉ चाहेगा। वही लंदन की सड़कों पर रेस होने वाला होता है, वो भी किसके बीच, डॉम वर्सेस लेटी। और इनकी रेस स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें मालूम है कि रेसिंग का राजा डोमिनिक टोरेटो है। तो रही बात रेसिंग की, तो ऑब्वियसली डॉम ही जीतता है। और हारने के बाद लेटी डॉम को अपने साथ एक कोपचू में ले जाती है। डॉम लेटी के पास आता है और उसकी हर एक चोट को देखकर उसे हर एक वो पल याद दिलाता है जिस वजह से उसे चोट लगी थी। और उसे क्रूस वाला लॉकेट देता है और कहता है कि ये तुम्हारा था। पर फिर भी लेडी को कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओवन शॉ वहाँ पर आता है और पहली बार डॉम का सामना ओवन शॉ से होता है। शॉ डॉम की टीम यानी उसके परिवार को उसकी कमजोरी समझता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर डॉम के लिए उसकी टीम यानी फैमिली ही ताकत है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी की फैमिली को धमकी देना नहीं चाहिए। और इसके बाद शॉ का एक स्नाइपर बंदा डॉम को गन पॉइंट पर देता है और ऐसा लगता है कि डोमिनिक का खेल ख़त्म। पर तभी हॉब्स स्नाइपिंग करते हुए शॉ को गन पॉइंट पर लेता है, इसलिए शॉ अपने आदमियों के साथ पीछे हट जाता है। वहीं हॉब्स आकर डॉम से कहता है कि अगर आज मैंने तुम्हारी कार में ट्रैकर नहीं लगाया होता तो कुछ भी हो सकता था। तभी डॉम उसे उसका ट्रैकर निकाल के देता है और पूछता है कि ये ट्रैकर। अब तो आप समझ गए होंगे कि डॉम कितना स्मार्ट बंदा है और इसी वजह से ये बंदा डोमिनिक टोरेटो है। वहीं ब्रायन जेल से आज़ाद हो चुका है और शॉ लेडी से सवाल पूछता है कि क्या उसके कहने पे वो डॉम को मारेगी। इसके जवाब में लेडी डोमिनिक का दिया हुआ लॉकेट शॉ को दिखे चली आती है। वहीं तेज सीसीटीवी की मदद से शॉ के लोकेशन का पता लगाता है जहाँ पर हॉब्स और राली आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय एक ऑयल पेंट के, जहाँ तेज बताता है कि वो ऑयल पेंट बड़े ही खास तरीके का ऑयल पेंट है। इस ऑयल पेंट की मदद से हम गाड़ियों को इंफ्रारेड कैमरा से बचा सकते हैं, इसलिए हॉब्स के कहने पर तेज शॉ के जितने भी मिलिट्री टारगेट होते हैं उन सब जगह की डेटा चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शॉ स्पेन के एक मिलिट्री बेस पर अटैक करेगा जहाँ पर वो कंपोनेंट आने वाला है जिससे कि डिवाइस पूरा हो सकता है। इसलिए हॉब्स और राइली स्पेन के लिए निकल जाते हैं। वहीं ब्रायन भी बेस पर आता है जहाँ सभी लोग स्पेन जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद ये सब प्लेन में होते हैं जहाँ पर इन्हें हॉब्स को कॉल आता है और पता चलता है कि इन्होंने वहाँ पर ओवन के एक आदमी को पकड़ा है। लेकिन तभी ब्रायन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि ओवन शॉ चाहता था कि हम उस आदमी को पकड़े, इसलिए वो आदमी पकड़ा गया क्योंकि जेल में ब्रायन ने मुझसे कहा था कि तुम शॉ के करीब तभी जा सकते हो जब वो चाहे। इसका मतलब है कि शॉ इन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसके जाल में फंसते नहीं। और अब इन्हें मालूम है कि शॉ उस मिलिट्री के काफिले पे हमला करेगा जिसमें कि वो कंपोनेंट है जिससे कि डिवाइस पूरा हो जाए, इसलिए ये लोग वहाँ के लिए निकलते हैं जहाँ ओवन उसकी टीम ने मिलिट्री के उस काफिले पर हमला कर दिया है जिसमें वो डिवाइस रखा है। पर इनके ऊपर डोमिनिक और उसकी टीम की नज़र होती है जहाँ ये लोग भी अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। वहीं ओवन उसके साथियों ने ट्रक पर कब्जा कर लिया होता है जिसके अंदर के टैंक पर बैठ कर वो लोग ट्रक को तोड़ते हुए फॉलर टैंक को निकालते हैं जो कि गाड़ियों से भरी हाईवे पर खुलेआम घूम रही होती है। और ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं जहाँ ओवन तो पागल हो चुका है, सामने आने वाली किसी भी गाड़ी को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए डॉम के कहने पर रोमन उसका ध्यान बढ़ाने के लिए टैंक के आगे आता है, पर ये लोग रोमन की कार पर फायरिंग करते हैं जहाँ पर किसी तरह रोमन बच जाता है और वो अपनी कार से जुड़ी हुई तार को टैंक से बांध देता है जहाँ पॉल आकर उसे बचा लेता है। वहीं आगे ब्रिज आता है, इसलिए ओवन लेडी को कहता है कि तुम बाहर निकल कर डॉम को शूट करो, जहाँ लेडी टैंक के बाहर जाती है। तो वहीं ओवन की टैंक रोमन की कार को खींच रही है क्योंकि उसने तार बांध रखा है, जहाँ रोमन की कार ब्रिज से नीचे गिरती है जिससे कि टैंक पर चढ़ी लेटी हवा में उछलती है। और इससे पहले कि लेटी ब्रिज से नीचे गिरे डॉम अपनी कार से कूदकर लेटी को पकड़ लेता है और ये दोनों भी एक कार के ऊपर जाके गिरते हैं। वहीं ओवन की टैंक उल्टी पुल्टी हो चुकी है जहाँ हेलीकॉप्टर में हॉब्स भी आ चुका है। इसके बाद ये सभी लोग मिलिट्री बेस पे होते हैं जहाँ पर मिलिट्री का मेजर बोलता है कि ये सब कुछ सिर्फ छोटे से कंप्यूटर चिप के लिए हुआ है। और लेडी डॉम से बात करती है और कहीं ना कहीं वो उससे प्यार भी करती है और साथ ही भरोसा भी करती है। पर तभी हॉब्स
ओवन शॉ को लेकर आता है, जहाँ पर ओवन शॉ सभी से कहता है कि तुम सबको क्या लगा तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे, और मैंने पहले ही कहा था परिवार तुम सबकी कमजोरी है। शॉ बताता है कि उसने मियाँ को किडनैप कर लिया है, पर अगर उसे जिंदा रखना चाहते हो तो मेरे और मेरे साथियों के हथकड़े खोल दो और साथ ही मुझे वो चिप भी दे दो। पर इस पर मिलिट्री का मेजर मानता नहीं, जहाँ हॉब्स उसे कंट्रोल पर रखता है और डॉम से कहता है कि अगर शॉ यहाँ से बाहर निकला तो तुम सबकी आज़ादी भी इसके साथ चली जाएगी, जिस पर डॉन मान जाता है। तो रैली भी सभी की हथकड़ी खोलती है और उन्हें वो चिप देती है, जहाँ शॉ जाते वक्त कहता है कि चलोगी नहीं मेरी रानी, जिस पर रैली उसके चली जाती है। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो भी खबर और टिप शॉ के पास मिलती थी वो सब रैली से लेती थी। और यहाँ पर पूरी मूवी का गेम चेंज हो जाता है। इससे पहले कि शॉ मियाँ को मार दे, डॉम और उसकी टीम गन और हार्पून को लेकर शॉ के पीछे आती है, जहाँ शॉ को लेने के लिए एक जाइंट एरोप्लेन आता है जो कि उसे एयरलिफ्ट करने वाला होता है, और उसी के अंदर मियाँ भी होती है। तब शॉ रैली के साथ अपनी गाड़ी लेकर एरोप्लेन के अंदर चले आता है, और इससे पहले कि ये लोग मियाँ को मार दे, तभी डॉम, ब्रायन और लेटी अपनी कार लेकर प्लेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ इन सब के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और बाहर शॉ के आदमियों से डॉम की टीम लड़ रही है, तो अंदर शॉ का एक आदमी जो कि हल्की तरह होता है वो ब्रायन को बहुत मार रहा होता है, इसलिए ब्रायन उसे छोड़कर शॉ से फाइट करता है। तो वहीं डॉम उस हल्क से लड़ता है, और इनकी फाइट का मुझे एक सीन बहुत ही खास लगता है, जहाँ पर डॉम अपने सर से उस हल्क को मारता है, और ये देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। और मौका देखकर ब्रायन मियाँ को लेकर कार से बाहर निकल जाता है, जिसके पीछे शॉ की बंदी होती है, पर इस बार ब्रायन अपने दिमाग की मदद से उस बंदे का एक्सीडेंट करा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं अंदर हॉब्स भी आ जाता है, और अब यहाँ पर हॉब्स, डॉम वर्सेस हल्क एंड शॉ। वहीं प्लेन के बाहर गिजेल प्लेन पर हार्पून चलाती है ताकि वो प्लेन का जेट खराब कर सके और प्लेन रुक जाए, पर उसका निशाना चूक जाता है। तो रोमन भी उस ब्रूसली के चेहरे से लड़ रहा होता है, जहाँ पर तेज गाड़ी से उसे उड़ा देता है, और रोमन भी शूट करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। पर ये हार्पून के बल्ब इनके कार से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये लोग अपने कार से प्लेन को नीचे खींचने की ट्राई करते हैं। तो वहीं शॉक के एक बंदे ने गिजेल और हान के नाक में दम कर रखा है, और वो बंदा हान को शूट करने वाला होता है कि गिजेल हान का हाथ छोड़कर उसे शूट करती है, और यहाँ पर गिजेल की मौत हो जाती है। और गिजेल की मौत देखकर हान उस बंदे को उठाकर एरोप्लेन के मोटर में फेंक देता है। वहीं प्लेन के अंदर लेटी और रैलो की फाइटिंग होती है, जहाँ पर लेटी रैलो को प्लेन से गिरा देती है, और उसका भी किस्सा खत्म, जहाँ हॉब्स और डॉम ने मिलकर शॉ और उस हल्क को बेहोश कर दिया होता है। पर सवाल ये था कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है तो ये लोग करें तो क्या करें, इसलिए हॉब्स और लेटी प्लेन में से जंप करके रोमन की गाड़ी में बैठ जाते हैं। और प्लेन क्रैश होने वाला होता है कि तभी डॉम की नज़र शॉ पे आती है, जो कि भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉम उसे प्लेन के बाहर फेंक देता है और उस चिप को ले लेता है, और यहाँ पर प्लेन भी क्रैश हो जाता है, जिसमें से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर से डॉम एक कार लेकर निकलता है और उस कंप्यूटर चिप को लेकर बाहर आता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन उन सबको हान के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि गिजेल की मौत हो चुकी है, जहाँ हॉब्स कंप्यूटर चिप के लिए डॉम को उसकी कीमत पूछता है, जिस पर डॉम कहता है 1327, मतलब आज़ादी। इसके बाद हम पूरे फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली को सिवाय गिजेल के, जो कि मर चुकी है, लॉस एंजलस के पुराने घर पर देखते हैं, जहाँ इन सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स माफ़ किए जा चुके हैं। फिर हम एलिना को देखते हैं, जो कि वापस से एक बार पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है, और अब वो हॉब्स के साथ वापस से काम करेगी, जहाँ वो लास्ट टाइम डॉम को बाय करती है। और फिर पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस की फैमिली एक साथ खाना खाते हैं, और खाना खाने से पहले प्रे करते हैं अपनी फैमिली के लिए। तभी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो में कार रेसिंग हो रही होती है, जहाँ पर एक किलर ने हान को मार दिया होता है और उसके बॉडी के ऊपर डॉम का लॉकेट फेंकता है, और डॉम को कॉल करके कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते डॉमिनिक टोरेटो, लेकिन जल्दी जान जाओगे।